फाइज, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, इसीलिए मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो शायद तुम्हें नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं नुक्ते जोड़ती जा रही हूं और तस्वीर बनती जा रही है। मम्मी प्लीज, कुछ भी कहने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जान लें कि मेरी जज्बात, मेरी सोच बहुत पाक और साफ है। वो आज भी अपने साबिका मंगेतर से मिल रही है। फाइज के बढ़ते कदम देखकर तुम्हारी नीयत में खोट आ गया था। तुम जानती थी फाइज तुम्हारा हाथ थामने में रत्ती बराबर तामुल नहीं करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहां पर आके मेरी बीवी से इस तरह बात करो? तो तुम्हारी बीवी ये बहुत बार तुम्हें बनी थी। मुझसे वफा और मोहब्बत के वादे बहुत पुराने हैं। कहो तो सबूत दिखा दूं तुम्हें। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। मैं कह रहा हूं बीच में से हटे आओ। अब बहुत हो गया सलमान। मैं ये सोच रहा हूँ कि सलमान को अब तो रूज बिल्कुल भी पसंद नहीं रही। शो? जिस तरह अभी वो गुस्से में गया है ऊपर और हमारी हाँ में हाँ मिला रहा है। क्यों ना माँ बेटी को घर से निकाल बाहर करें और हमारी हुक्मरानी हो जाए पूरी। क्या कहा था आपने मुझसे? ये घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, ये सब कुछ मेरा है। तो जब हर चीज हमारी है तो हम यहाँ से क्यों जाएं? ये लोग हमें यहाँ नहीं रहने देंगे। कैसे नहीं रहने देंगे? ये करना इन लोगों के इख्तियार में नहीं है। उरूज गई तो ये सब कुछ भी उसके साथ चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये सब कुछ वो हमें दे देगी आसानी से? हमें नहीं, तुम्हें। एक प्लान है मेरे पास। इधर आओ, बैठो। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? आप बाप को क्यों नहीं समझ रहे? उसे डराता है, धमकाता है। मैंने आज तक रानिया को कभी खुश नहीं देखा। वो तुम्हारा बीमार बाप तो वैसे भी एक ही गोली की मार है, और तुम्हारी बूढ़ी तुम्हारे मरे हुए बाप को देखकर वैसे ही मर जाए। चलो मेरे साथ, या फिर तुम्हारे बाप को चलता करो वहां से। कुछ होने के बाद भी ये वापस उसी के साथ जा रही? क्या हो गया तुम्हें रानिया? अभी तो तुम नीचे मुझे कुछ और कह रही थी और यहाँ पे कोई और बात कर रही। बाबा प्लीज, मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। हरगिज भी नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी, किसी सूरत नहीं। तेरा साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। अरे जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। तो
जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। इस घर का कोई मर्द या औरत बाहर नहीं जाएगा और ना कोई बाहर से अंदर आएगा। मौत के बाद तो हर घर में शोक मनाया जाता है, यहाँ तो फिर भी मौत का ऐलान उससे पहले हो गया। आज रात सब मौत के खौफ में रहेंगे। बस बच्चा है हमारा, अपना आप दिखाई देता है उसमें। अपने बच्चे का मौत अपना मौत होता है और कोई अपने आप को मरता हुआ नहीं देख सकता। अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता, अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता, अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता। चाचा को अपना खून का प्यास बुझाने दो, जैसे मैंने अपना प्यास बुझाया प्रमीर को मार के। अब उनका बारी है। हमारा पामीर का रूपे सुकून है बादशाह खाना, उसको सुकून चाहिए। अगर गोली चलाते हुए तुम्हारा हाथ कांपा तो पिस्तौल हमको दे देना। जब किसी से मिलने जाओ तो बन ठन के जाओ, खुशबू खुशबू लगा के, तो फिर ये तो मौत है और मौत से मुलाकात तो एक ही बार होता है ना।